उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल विकास द्विवेदी नाम के एक युवक को सातवीं बार का सांप ने डसा है। युवक का इलाज करने वाले डॉक्टर भी इस बात से हैरान है और वहीं परिजन हमेशा अनहोनी की आशंका में डरे सहमे रहते हैं। वहीं पीड़ित युवक ने बताया कि सांप ने हमेशा शनिवार और रविवार को ही उसे डसा है। इसी भय से वह पिछले हफ्ते अपने दो रिश्तेदारों के यहाँ भी चला गया था, लेकिन सांप ने उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और वहां जाकर भी उसको डस लिया। मामला जिले के मलवा थाना इलाके के सौरा गांव का है, जहां एक युवक को सांप ने सातवीं बार डसा है। उसने बताया कि हर बार सांप के काटने से पहले ही मुझे खतरे का आभास भी हो जाता है। तीन बार जब मुझे सांप काट चुका था तो मेरा इलाज करने वाले जो डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी थी कि तुम अपना घर छोड़कर कहीं बाहर रहो, जिसके बाद मैं अपने मौसी के यहाँ चला गया। सांप ने मुझे वहां भी काट लिया। वहां से मैं अपने चाचा के घर पर रहने लगा, लेकिन सांप ने मेरा पीछा वहां भी नहीं छोड़ा और मुझे छठवीं बार डस लिया। वहीं युवक ने बताया कि सर्पदंस के पहले से ही उसकी बाई आंख बहुत तेजी से फड़कने लगती है और उसके अंदर से सांप के काटने का भय लगने लगता है। छह बार मैंने तीन बार सांप को आंखों से देखा है और जब मुझे सांप ने तीसरी बार काटा तो उसी रात वो सांप मेरे सपने में भी आया था और मुझसे बोला कि मैं तुझे नौ बार डसूंगा, आठवीं बार तो तू बच जाएगा, लेकिन नौवीं बार तुझे कोई भी तांत्रिक शक्ति या डॉक्टर नहीं बचा पाएगा।